एक औरत आई, उसका नाम है सारा। कौन है? काफिर। कौन है? तवाइफ, गाने वाली, नाचने वाली। मदीने आई, ऐ अल्लाह के नबी फाके आ गए, मेरी मदद कर। काफिर, गाने वाली, नाचने वाली। आपने फरमाया कलमा पढ़ती हो? का नहीं पढ़ती। आपने कहा तो तू गाने वाली थी, तो क्या मक्के के नौजवानों ने तेरा गाना सुनना छोड़ दिया? कहां, जब से बदर में बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए, अब मेरा गाना कोई नहीं सुनता, तो मैं भूख मर गई हूं। गाने वाली, काफिर। साहब ने कहा मेरे अहले बैत उठो और इस औरत का दामन भर दो। सहाबा से नहीं फरमाया कि कोई कोई सहाबा से क्यों नहीं फरमाया कि किसी के जी में ये ना आए तवायफ नु पैसे दिवाई जांदे, किसी के जी में ये ना आ जाए कि गाने वाली को पैसे हमारे दिलवा रहे हैं। वाह या रसूल अल्लाह, आज आप देखते आपकी उम्मत क्या कर रहे हैं। मेरे अहले बैत बनू अब्दुल मुत्तलिब, वो तो मैं आसान करके कह रहा हूं, मेरे अहले बैत बनू मुत्तलिब उठो इस औरत का घर भर दो। अपने घर वालों से एक तवायफ की मदद करवाई, मेरे नबी की हमदर्दी। अभी मैं सिर्फ गैरों से बता रहा हूं, आपने गैरों के साथ क्या किया, अपनों के साथ आपने क्या किया। हुनैन की जंग में पहले शिकस्त हुई, बड़ी बुरी तरह, बड़ी मुश्किल से फतह हुई, तो उसमें माल गनीमत में 6000 कैदी, 40000 बकरियां, 24000 ऊंट और 1,00,000 छटांक चांदी, ये सारा माल गनीमत और कैदी लेकर आप जुर्राना के मकाम पर 3 हफ्ते बैठे रहे। तकसीम नहीं किया कि अगर ये आके माफी मांगे तो हर शय वापस कर। जब 3 हफ्ते गुजर गए और नहीं माफी मांगने आए, तो फिर आपने तकसीम कर दिया। उस शाम को वो पहुंच गए, या रसूल अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए, हमारा घर बार हमें वापस किया जाए, अब तुम्हारा भला हो जाए। और मैं 3 हफ्ते अपने दोस्तों साथियों को रोक के बैठा रहा कि तुम आओ, मैं तुम्हें वापस कर दूं। अब मैंने अपने साथियों का दिल भी रखना है, अब एक चीज ले लो, या कैदी ले लो या माल ले लो। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह माल तो अल्लाह फिर दे देगा, हमें कैदी वापस करना है। आपने कहा ठीक है, तुम कल जुहर की नमाज के बाद खड़े हो कि यही ऐलान करना, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ तदबीर करूंगा, दुश्मन के लिए तदबीर। इतने सबके बिरान उठावण दिया तदबीर हो जाए कि उन्होंने रगड़ा दे, और मेरे नबी जिन्होंने तलवारें उठाई, अच्छा तुम कल आना और यही कुछ कहना, फिर मैं कुछ सोचूंगा तुम्हारे। अब जोर की नमाज के बाद वो तो पहली बात हो चुकी, या रसूल अल्लाह हम आपके मामू। ये मामू क्यों कहा? कि हजरत दाई हलीमा इस खानदान से थी, हवाजन बनुसाद। तो या रसूल अल्लाह हम आपके मामू, हमसे खता होगी, हमें माफ किया जाए, हमारा साजो सामान कैदी वापस किए जाए। तो आपने बात तो रात ही हो गई थी, आपने फरमाया भाई देखो मैं तो 3 हफ्ते तुम्हारे लिए सोचता रहा, तुम नहीं आए, अब एक चीज ले लो। उनका जी हमें कैदी दे दें। तो आपने कहा अच्छा भाई जो कैदी मेरे हिस्से में आए और मेरे घराने बनू मुत्तलिब के हिस्से में आए, वो तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर आप सबको वापस करता हूं, बाकी भाई आप लोग सोच लो क्या करना है। उनके सोचना है, उनका या रसूल अल्लाह जब आप वापस कर रहे हैं हम भी वापस करते। वो अपने पराए का गम खाने वाले, अरे तुमने अपनों को जबा करना शुरू कर दिया, वो पराए को गम खा रहे हैं। अच्छा इसमें 3 सरदार अड़ गए, एक का नाम है अकरा बिन हाबिस तमीमी, दूसरे का नाम है गोयना बिन हसन अल फराजी, और तीसरे का नाम है अब्बास बिन मरदास सुलम, बनू सुलम से, बनू फराज से, बनू तमीम से। वो कहने लगे भाई हम नहीं वापस करते, ये नए नए मुसलमान हुए थे, अभी रचा नहीं था पूरी तरह इश्क रसूल का, ये हम नहीं वापस करते, हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कि कैदी वापस कर दो। तो आपने कहा इनको बुलाओ मेरे पास। आपने ये नहीं कहा कि ये बड़े नाफरमान हो गए, इनको निकाल दिया जाए। आपने कहा इनको बुलाओ। तीनों आ गए। कहा भाई एक सौदा करूं तुम्हारे साथ? ये फरमाए कहा हर कैदी के बदले में 6 ऊंट ले लो।
اور قیدی مجھے واپس کر دو. بہت بھاری قیمت ہے, ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے دو. کہا جی ہاں ہمیں منظور ہے. تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو 6-6 اونٹ دیے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا. جب سارے قیدی اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفٹ کیا جائے. تو ایک ایک جوڑا سب کو گفٹ کر کے آپ نے کہا جاؤ بھائی آپ آزاد ہو. کہا نہیں ہم غلام ہیں, ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں.